हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लेक्चर्स और बुक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट सीए फाइनल की जानकारी चाहते हैं। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारी जानकारी आपके साथ एक सिंगल वीडियो में शेयर करने की। लेक्चर्स कहां तक अमेंडेड है 30 अप्रैल 2024, जी हाँ सही सुना, क्या किताबों में लेटेस्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड है, मई 2024 की आरटीपी एमटीपी छोड़िए एग्जाम पेपर तक शामिल है विथ सॉल्यूशंस थ्रू क्यूआर कोड्स। इसके अलावा पावर बैच का फ्री एक्सेस किस में मिलेगा, ऑडियो वीडियो पॉड्स का एक्सेस किस में मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रिंटेड किताबें, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेक्चर, प्राइस, एवरीथिंग। कोशिश की है मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो आपको बैच लेने से पहले या दौरान जानने की जरूरत होती है सब कुछ इसमें शामिल किया है, और जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे इन सारी जानकारियों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी रह गए तो जैसे मैं खुद आपके सारे डाउट्स क्लास के सॉल्व करता हूँ, सारे हमारे गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, iOS, एंड्रॉइड के स्टूडेंट्स के, वैसे ही यहाँ पर भी मैं आपके सारे डाउट्स कमेंट्स में आप शेयर कर दीजिएगा, विल हैप्पीली शेयर इट। सबसे पहले ये छोटे छोटे अक्षर ऑफिस की याद दिलाते हैं, ये एसी की देन है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। Before I come to information with respect to lectures of FR and audit specifically, कुछ general चीजें। Number one, ये जितने भी lectures आपके हैं ये 30th April 2024 के सारे amendments इसमें covered है, changes covered है। हालांकि recent past में कुछ changes हुए नहीं, छोटे मोटे कहीं कुछ भी हैं, सब कुछ updated है। सारी की सारी किताबों में May 2024 की exam तक के questions incorporate कर दिए हैं, यानी आपकी question bank में सारे questions updated है। और ऐसा नहीं है कि ये questions आपको आखिरी में आरटीपी एमटीपी सब दे दिए, रिस्पेक्टिव जगह पर ऐड किया है। एफआर में मई 24 का पेपर बस लास्ट में ऐड किया, एमटीपी आरटीपी सब रिस्पेक्टिव हेड्स चैप्टर उसके अंदर जिन टॉपिक से रिलेटेड है वहां पर इंक्लूडेड है। ऑडिट में पेपर भी हमने इंडिविजुअली इंक्लूड कर दिया। एमसीक्यू बुक डेफिनेटली अपडेट अभी नहीं करी है क्योंकि उसकी ओपन पीडीएफ शेयर है, तो आई डोंट थिंक आपको हार्ड कॉपी की जरूरत है। उसकी जो ओपन पीडीएफ है वो अपडेट कर देंगे, बट जो प्रिंटेड किताब है उसमें आपके क्वेश्चन आर ओनली अपडेटेड prior to the exams questions। इसके अलावा सारे के सारे lectures को आप या तो विंडोज में या एंड्रॉइड में, दोनों में से एक समय पर किसी भी एक पे देख सकते हो, ये जनरल रूल है। तो विंडोज पे आपने देखा कुछ समय तक, आप विंडोज की जगह एंड्रॉइड पे देखना चाह रहे हो वहां लॉग इन कर लीजिए विंडोज से लॉग आउट करके, एंड वाइस वर्सा, एक साथ दोनों जगह नहीं चलेंगे, अपने को अकेले को देखना है, दोस्त को थोड़ा ना दिखाना है। सारी किताबें जो दी गई है अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कौन सी बैच में क्या किताबें आती है, सबकी आपको हार्ड कॉपीज मिलती है, क्या डिजिटल बुक्स भी मिलती है ताकि ऑन द गो पढ़ा जा सके, यस वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस में मिलती है। डाउट सॉल्विंग आपकी सारी मैं खुद करूंगा, letfastsolve@gmail.com पर विदिन 24 आवर्स यूजुअली विल सॉल्व द डाउट, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल केसेस जहां पे हो सकता है ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाए, अदरवाइज यू गेट आंसर्स विदिन 24 आवर्स। प्लस डेडिकेटेड एक स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है सब्जेक्ट वाइज बैच वाइज, जिसमें बैच के स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ये मेरा नंबर है। प्लस iOS में हमारी सारी पावर और एग्जाम ओरिएंटेड फास्टर बैचेस अवेलेबल है, रेगुलर बैचेस बस iOS में अवेलेबल नहीं है, लेकिन iOS मोड पे अगर आप लेते हैं तो वो फिर सिर्फ iOS में चलता है, विंडोज और iOS वाला ऑप्शन नहीं। बैचेस पे आ जाते हैं, कितनी तरह की बैचेस होती है, तो बैचेस तो दो ही है, एक रेगुलर और एक एग्जाम ओरिएंटेड या फास्ट ट्रैक कह लो। पहले अपन इसे फास्ट ट्रैक कहते थे, बट बाद में रियलाइज हुआ कि इसकी कवरेज तो अन्यथा एग्जाम ओरिएंटेड की कवरेज से भी ज्यादा है, तो विद दैट ट्रेंड इसका नाम एग्जाम ओरिएंटेड स्लैश फास्टर बैच कर दिया। पावर बोलने के लिए बैच है, बट एक्चुअल में पावर इज मोर ऑफ अ रिकैप सीरीज, रिफ्रेशमेंट सीरीज, कि आपने क्लासेस बहुत पहले करी है या अभी करी पर मिसिंग कहीं कंसेप्ट्स थे आपके, कहीं और से करी है पर आपको लगता है कि यार एक बार थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए मुझे सारे कंसेप्ट रिफ्रेश करने हैं, पावर इस वक्त है। इसके लिए साफ साफ बताया है कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच ही सही है, पावर बैच इज नॉट फॉर फर्स्ट टाइमर्स, इट इज बेसिकली टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट। अब रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच जो कि मिक्स लैंग्वेज में आती है, जो नॉर्मली अपनी बातचीत की भाषा है ऐसी, नाउ वी ऑल्सो हैव अ फुल इंग्लिश रेगुलर बैच फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच इज ऑनगोइंग, जिसके कुछ 25 odd lectures हुए, 70 to 80 odd lectures in total होंगे, it's a regular batch, 100% coverage, 110 to 240 hours की। हमारी regular batch is of 89 lectures, 270 hours, fast track is 45 lectures, 135 hours, एकदम systematic, 3-3 घंटे के lecture, 1.5 घंटे का lecture, फिर break, फिर 1.5 घंटे का lecture,
इनफैक्ट एक फाइल आपकी नॉर्मली 1.5 आवर्स अप्रोक्सीमेटली लेक्चर की है. तो इनकेस अगर आपको ऐसा भी है कि एट ए स्ट्रेच आप 3 आवर्स नहीं देख सकते हो, तो आप मॉर्निंग 1.5 आवर्स और इवनिंग 1.5 आवर्स भी देखोगे तो प्रॉपर आपको लेक्चर दो पार्ट में मिलेंगे, विच इज अ बिग एडवांटेज. प्लस देखने में भी लोड नहीं लगता, बोले चलो यार उठे तो 1.5 आवर्स का तो लेक्चर उठाया और लगा लिया. और आप नॉर्मली 1.2 की स्पीड में देखते हैं तो आप उसे बड़ी आसानी से 1 आवर 10-15 मिनट्स में भी कवर कर सकते हैं. हालांकि साथ में प्रैक्टिस वगैरह एफआर में समय लगता है, ऐसा नहीं है. रेगुलर में एग्जाम ओरिएंटेड, फास्टर, फुल इंग्लिश, सब में 100% कवरेज होती है. पावर बैच में एबीसी फोकस के साथ कवरेज होती है, लेकिन एक भी टॉपिक पावर बैच में भी छूटा नहीं है. हमारी 65 आवर्स की पावर बैच थी जो अभी हमने मई 2024 के लिए लग ली थी, जिसमें हमने एबीसी कैटेगरी में सी कैटेगरी के कुछ टॉपिक्स जैसे थ्योरी टॉपिक्स वगैरह मिस किए थे. अब पावर बैच में वो सारे टॉपिक्स के भी लेक्चर्स मैंने इंक्लूड कर दिए, तो वो 65 आवर्स की जगह 71 आवर्स की हो गई है, 6 घंटे ऐड हो गए, लेकिन उसमें आप सारे 100% टॉपिक कवर हो गए. तो यहाँ 100% भी लिखूं तो गलत नहीं है, पर वो एबीसी फोकस्ड है क्योंकि हर चीज पर एक जितना समय नहीं दिया जाता है. वहां पे टाइम ड्यूरेशन में वेरी, कुछ काफी कम ड्यूरेशन में होते हैं और कुछ में हम सब्सटेंशियल ड्यूरेशन देते हैं. क्वेश्चंस हम रेगुलर बैच में आप यूं समझ लीजिए मोर देन सफिशियंट क्वेश्चंस करते हैं. 1000 एक बहुत छोटा नंबर है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस हम करते हैं. प्लस साथ साथ में इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं. हर अटेम्प्ट से पहले सुपर 200 क्वेश्चंस की लिस्ट देते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए. उस समय जो लेटेस्ट स्ट्राइकर चल रही रहती है उसके क्वेश्चन नंबर्स भी दे देते हैं कि भैया इनमें से ये इंपॉर्टेंट है. लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो क्लास में सॉल्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, 250 प्लस. तो जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसका क्या, तो क्वेश्चन बैंक में तो 1500-1600 क्वेश्चंस है. 80%+ क्वेश्चंस तो क्लास में आसानी से सॉल्व होते हैं, नंबर मैंने कम लिखा है. रेगुलर फास्ट ट्रैक वालों के लिए भी अब चिंता नहीं है. क्यों? क्योंकि जो बचे हुए क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको वीडियो पॉड या ऑडियो पॉड मिलता है, एक्सेप्ट अगर कोई प्योर थ्योरी क्वेश्चन है. तो आपको बचे हुए क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करना है और कोई डाउट आए तो बस स्कैन करिए, और स्कैन करोगे तो सोल्यूशन तो आपको क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है लेकिन आपको उसका वीडियो या ऑडियो भी मिल जाएगा. ये सेम लॉजिक एफआर का ऑडिट में भी लागू होता है. तो इसके अलावा अपने जो एग्जाम ओरिएंटेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्वेश्चन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भले क्लास में क्वेश्चंस कम सॉल्व हो रहे हैं, पर ये एक नया तरीके से आप सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा. बजाओ ताली अगर पसंद आया हो तो, हो जाए अभी के अभी, काश लाइव होते हैं. पावर बैच में बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कुछ खास कवरेज नहीं होती है. और एफआर की जो प्योर इंग्लिश बैच है उसकी कवरेज भी बिल्कुल जैसी एफआर की मिक्स इंग्लिश की रेगुलर बैच की है वैसी है, उतने ही क्वेश्चंस उसमें भी सॉल्व हो रहे हैं ऑनगोइंग है बैच. तो ऑडियो वीडियो पॉड का एक्सेस आपको रेगुलर या फास्टर एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंतर्गत मिलता है सारे क्वेश्चंस का. पावर बैच में अगर आप क्वेश्चन बैंक अलग से परचेस करेंगे तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा. तो ये हाईली सजेस्टेड है कि आप क्वेश्चन बैंक ले लें तो आपके पास क्या होगा, 1200-1500 जितने क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशंस आपको फास्ट के एंड्रॉइड ऐप पे देखने को मिलेंगे. सिर्फ एंड्रॉइड ऐप पर अवेलेबल है, ये आईओएस पर अवेलेबल नहीं है. क्या ऑडियो वीडियो पॉड. इन सब के अलावा रेगुलर या एग्जाम ओरिएंटेड जो भी बैच स्टूडेंट्स लेते हैं उन सबको वंस इन लाइफ टाइम एज इन वन टाइम फ्री एक्सेस टू पावर बैच मिलता है, जिसमें उन्हें दो व्यूज मिलते हैं लेकिन वो सिर्फ एक ही डिवाइस पे चलेगा. यानी पावर बैच आपकी या तो सिर्फ विंडोज पे चलेगी, एंड्रॉइड पे जहां पे आपने पहले एक्टिवेट किया वहां पे स्विच नहीं करते, क्योंकि दो व्यूज है तो आप समझ गए थोड़ा सा इंटरनल कंट्रोल. तो वन टाइम फ्री पावर बैच एक्सेस विद टू व्यूज सिंगल डिवाइस, एनी डिवाइस विच यू विश टू, इधर विंडोज और एंड्रॉइड, आपको एक बार मिलता है. ये इस लॉजिक से है कि आपकी जिस भी अटेम्प्ट से पहले जरूरत है आप पावर बैच ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए. इसका एक्सेस पहले हम एग्जाम से 4 महीने पहले दिया करते थे, लेकिन अब इस बार से आपको इसका एक्सेस आज से ओपन किया जा रहा है. क्या बात कर रहे हैं सर जी, हाँ बताइए. एक फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको वो पर्टिकुलर फॉर्म फिल करना है और उसके बेसिस पे आपको पावर बैच का एक्सेस मिल जाएगा आफ्टर वेरीफाइंग कि आपने पहले तो एक्सेस फ्री वाला नहीं लिया. प्लस अगर आप एफआर रेगुलर या फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट है तो आपको एफआर का मिलेगा, ऑडिट के तो ऑडिट का मिलेगा. अगर आपने पहले पावर बैच ली थी तो ऑब्वियसली बात है आपको वापस से पावर बैच का एक्सेस तो फ्री में नहीं मिलेगा, इज ओनली फॉर रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक स्टूडेंट. कई अपने यार दोस्त अपने दूसरे दोस्तों को डोनेट कर देते कि ले रहे मेरा तो पास हो गया तेरे को कर देते. तो आप कृपा करके ऐसा ना करें, गलत है. और कर भी रहे तो कृपा करके एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले तो भूल के भी ना करें. इसलिए नहीं कि आप पास नहीं होने वाले, बिल्कुल होने वाले, पर इंस्टीट्यूट का क्या भरोसा, फिर तुम बाद से जो उससे झगड़ोगे ये सारी काम करोगे. बट अदरवाइज प्लीज अवॉइड, क्योंकि ऐसे भी बहुत क्लियर कट उसमें नंबर्स ईमेल्स ये सब क्रॉस चेक करके ही एक्सेस दिया जाता है. तो अगर आप डेटा गलत फिल करोगे तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, फिर आपको लगेगा जवाब नहीं आ रहा है पास से, पर उसका कारण आप खुद जानते हो. किताबें क्या मिलती है एफआर के केस में, ब्रह्मास्त्र जो हमारी हैंडरटन स्टाइल की किताब है, सेल्फ स्टडी बुक है,
जिसके नंबर ऑफ पेजेस अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली ब्रह्मास्त्र इज इन टू वॉल्यूम्स विद 350 पेजेस पर वॉल्यूम, तो 700 पेज तो बहुत हो गए. नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, बीच बीच में हर टॉपिक खत्म होता है तो उसकी समरी है पूरी एक पेज में, कई बार दो पेज में, प्लस बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी हैं. हर चैप्टर में नहीं है पर बहुत सारों में. तो अगर मैं इसके सारे इलस्ट्रेशन हटा दूं और समरीज हटा दूं तो ये बहुत आसानी से 400 पेज की किताब जाएगी. बट अभी क्या होता है, आपके पास एक किताब है जिसको आप एकदम फ्लो में पढ़ सकते हो, जहां जरूरत है इलस्ट्रेशन आ सकते हैं, आप वो साथ में कवर कर सकते हो. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट माइंडसेट कि अरे बाप 700 पेज कैसे, वैसे भी एफआर आपका पहला पेपर तो यह मोट है, आप उसकी बजाय बोलोगे कि यार एक डिपेंडेबल रिसोर्स है जिसमें मुझे जरूरत पड़ने पर इलस्ट्रेशन भी हाथों हाथ मिल जाएंगे, तो और ज्यादा परफेक्शन के साथ मेरी तैयारी हो जाएगी. सो यू गेट प्रिंटेड ब्रह्मास्त्र, प्रिंटेड क्वेश्चन बैंक विच इज नोन एज स्ट्राइकर इन ऑल योर रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस. पावर में ऑप्शन है, आपको लेना है तो अलग से सब्सक्राइब कर सकते हैं. एमसीक्यू की किताब की ओपन पीडीएफ मिलती है, समय समय पर अपडेट होगी, आप वहां से देख लें, ऐसे भी सारे स्टूडेंट्स करते नहीं है. इन दोनों की आपको ओपन पीडीएफ नहीं मिलती है ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक की, पर आपको ई बुक डिजिटल बुक मिलती है जो फास्ट की ऐप पे या विंडोज के आपके लैपटॉप पे देख सकते हो आप. तो ऑन द गो आपको कभी देखना है तो यू कैन यूज इट. ये प्रोटेक्टेड होती है, प्रिंटेबल नहीं होती है, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी अलग से मिल रही है. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर रेगुलर में अपन कवरेज किससे करें. तो देखिए रेगुलर हो या एग्जाम ओरिएंटेड, कवरेज जो भी होगी क्लास में वो पूरी ब्रह्मास्त्र से ही होती है. हालांकि एफआर में समय समय पे कुछ चीजों को और इलस्ट्रेट करने के लिए नोटिंग करना पड़ती है, समराइजेशन करना होता है, तो बोर्ड नोट्स का प्रयोग होता है. राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं होती क्योंकि ब्रह्मास्त्र अपने आप में सब कुछ इंक्लूड करता है. इट इज लाइक मेरे बनाए हुए नोट्स को मैंने ब्रह्मास्त्र में डाल दिया. ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन बैंक बहुत एक्सटेंसिवली रेफर होगी रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस में. पावर में नहीं होती है क्वेश्चन बैंक लिमिटेड क्वेश्चंस को. एक लिमिटेड समय के लिए अभी एग्जाम खत्म हुई है तो वी हैव गॉट 1.7 व्यू विद 2 इयर्स वैलिडिटी रेगुलर बैच एट दिस प्राइस एंड 7500 इज द प्राइस विद 1.7 व्यू फॉर 12 मंथ्स वैलिडिटी फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड फर्स्ट ट्रैक बैच. डिवाइसेस विंडोज और एंड्रॉइड अक्रॉस. iOS लेंगे तो सिर्फ iOS ओनली, बट रेगुलर उस पर अवेलेबल नहीं होता. तो ये कुछ आपके कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप अगर ये वीडियो कुछ टाइम बाद देखें तो ये प्राइसेस आपको इंक्रीज्ड या चेंज्ड मिले. तो ये आज की तारीख में, आई होप इससे आपको एक पूरी क्लैरिटी आ गई कि कौन सी चीज हम कैसे कहां से कवर कर रहे हैं, क्या है. अब आते हैं ऑडिट के ऊपर. ऑडिट में भी सिंपल है, दो बैचेस होती है, रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड फर्स्ट. देन यू ऑल्सो हैव अ पावर. पावर यहां पे बहुत ज्यादा काम की है. क्यों? क्योंकि रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस सब ब्रह्मास्त्र से कवर होती है. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है, आप देख लीजिए 100% कवरेज. आर्स में फर्क क्यों है? सिंपल रीजन है उसका, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं, सारे नहीं करते ऑडिट में क्योंकि बहुत सारे रिपीटिव एक जैसे होते हैं. बट एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक में काफी कम होते हैं और इसका कारण यह है यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड करने का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास ऑडियो पॉड सारे क्वेश्चंस के अवेलेबल है. तो फास्ट ट्रैक बैच में रोज स्टूडेंट को बता दिया जाता है ये टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो. डाउट्स वाली कोई बात ज्यादा रहती नहीं है, होती है तो पूछ लेते हैं बच्चे. क्लास में अपन बता भी देते हैं, लाइव क्लास होती है, सारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं. और दूसरा फायदा क्या होता है आपको कि आपके पास सारे क्वेश्चंस है. और दोस्तों आप टेलीग्राम पे अगर ग्रुप में स्टूडेंट्स के 2-3 महीने पहले ऑफ द एग्जाम्स मैसेज देखोगे तो आपको रोजाना एक मैसेज दिखना शुरू हो जाएगा, सर ऑडियो पॉड जोड़ता है, सर वीडियो पॉड जोड़ता है, सर वेरी हेल्पफुल. क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हो और आपके क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप सोचते हो मैं टाइप करूंगा और कैसे एक्सप्लेन करूंगा, इसकी बजाय आप मोबाइल उठाते हो, क्यूआर कोड मोबाइल में, वहीं हर किताब में प्रिंटेड है क्यूआर कोड हर क्वेश्चन के पास में, वहीं स्कैन करते हो हाथों हाथ, मैं आपके समक्ष मौजूद हो जाता हूं, आपकी फिंगर टिप्स पे आप मुझे चला सकते हो, चालू बंद, और मैं आपको सुनाऊंगा कि इसका ये आंसर है, इसमें क्या नेगेटिविटीज हैं, क्या सही गलत, इसमें ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, इस तरह से एक्सप्लेनेशन की आपने सुन लिया तो आपके मेजोरिटी डाउट्स कवर हो गए. फिर भी डाउट्स पूछना है तो आप वहां पर फिर डाउट्स ऐप में भी पूछ सकते हो डायरेक्ट. तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि हम एक लिमिटेड टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से ऑडिट कवर कर सकते हैं. तो जो लोग सोचते हैं यार मैं सेल्फ कर लूं ऑडिट, क्योंकि आखिरकार तो खुद से ही पढ़ना तो भाई ये क्या बात है, आगे तो आगे अरेंज मैरिज ही करना है तो आज लड़कियां देख के क्या करेंगे तो दोस्त ऐसा नहीं है, फैकल्टी की कई सालों की रिसर्च होती है. तो वो आप जो खुद रिसर्च करोगे, गलत सोचोगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे पढ़ के, उसकी बजाय आपने एक बार बैच ले ली, सुन ली आपने तो आपने बोला ओके अथॉरिटेटिवली ये चीज होगी. प्लस क्या होता है, बैच में लाइव बैचेस होती है, स्टूडेंट लाइव सवाल पूछते हैं, सारी बैचेस अपनी लाइव होती है. उसका एक बेनिफिट ये होता है कि कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव होती है. आप सोचो सर मैं सिर्फ यूट्यूब से कर लूँ तो यूट्यूब नॉन ऑब्लिगेटरी. डेफिनेटली फैकल्टी हमेशा कोशिश करेगी बच्चे की अच्छी कवरेज सब कुछ कराने के लिए, बट ये क्या है, दिस इज ऑब्लिगेटरी कि भाई ये सारा सब कुछ कवर करना है और सिस्टमैटिकली विदाउट मिसिंग. तो ऑब्वियसली यूट्यूब इज गुड फॉर रिविजन, बट फॉर बैचेस फास्ट ट्रैक बैच अपने आप में अगर आपके पास टाइम कम है तो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक इज वेरी सूटेबल. फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये बिल्कुल सूटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑडिट में वी हैव नॉट गॉट अ रेगुलर ऑडिट बैच, बट वी हैव गॉट अ
एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक फुल इंग्लिश ऑडिट बैच, मिक्स तो दोनों है, रेगुलर फास्ट ट्रैक, फुल इंग्लिश इज ओनली अवेलेबल इन फास्ट ट्रैक। ये भी लाइव बैच है जो मैंने त्रिशूर में जाके ली थी और ये उसकी रिकॉर्डिंग है। इसमें इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेस टू फेस एंड लाइव बैच, पर ये जो ऑनलाइन लाइव बैच है उसकी रिकॉर्डिंग है। दैट इज क्वेश्चन सॉल्विंग। देन इसके बाद में वीडियो ऑडियो पॉड्स का सेम लॉजिक है आपको, फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैच एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस में सारे क्वेश्चंस के एक्सेस मिलते हैं। पावर मैप क्वेश्चन बैंक खरीदोगे तो एक्सेस मिलेगा, यहाँ भी आपको पावर बैच का फ्री एक्सेस मिलेगा। बस ये ध्यान रखना कि अगर आप फुल इंग्लिश बैच ले रहे हैं एफआर की या ऑडिट की एग्जाम ओरिएंटेड, तो अभी जो पावर बैचेस अवेलेबल हैं ये मिक्स लैंग्वेज की, और आगे अभी प्रपोज नहीं है कि हम फुल इंग्लिश में पावर बैच लेंगे, तो अभी आपको मिक्स ही मिलेगा। सिमिलरली ऑडियो वीडियो पॉड्स जो आज की तारीख में अवेलेबल हैं ये मिक्स लैंग्वेज के, वो फैसिलिटी प्योर इंग्लिश की आज की डेट पर अवेलेबल नहीं है, जब होगी मैं बता दूंगा। प्लान ऑडियो वीडियो पॉड्स का जरूर है फुल इंग्लिश में करने का, एफआर का नॉट ऑफ ऑडिट, बाकी पावर बैचेस का भी कोई प्लान प्योर इंग्लिश पावर बैचेस का नहीं है। देन यहां पे आपको क्या मिलता है, तो ब्रह्मास्त्र डीसी क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू। क्लास में हम सिर्फ ब्रह्मास्त्र और क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं, एक्सेप्ट फुल इंग्लिश बैच जहां पे हमने डीसी से पढ़ा है, और पावर बैच जो डीसी से कवर होती है, बट एग्जाम ओरिएंटेड और रेगुलर दोनों ब्रह्मास्त्र से ही कवर होती है विद क्वेश्चन बैंक। तो डीसी सप्लाई क्यों करते हैं जब यूज नहीं किया है, और अभी तक तो फर्स्ट ट्रैक में डीसी दे भी नहीं रहे थे, अब डीसी क्यों आता है, क्यों? क्योंकि डीसी जैसा कोई नहीं। एक तो रिविजन वीडियो यूट्यूब पे डीसी से आते हैं क्योंकि उसको कैप्चर करना बड़ा आसान है, और आपको लगेगा सर ब्रह्मास्त्र से डीसी तो फिर दो किताब पढ़ रहे हैं तो डीसी से ही क्यों पढ़ ले, नहीं ऐसा नहीं है। पहली बार सब कुछ कवर होता है, फिर उसका सिनॉप्सिस लगता है, वो डीसी से आता है, और ब्रह्मास्त्र की जो सीक्वेंस है डीसी में सेम सीक्वेंस मेंटेन की गई है। और ड्रोन चार्ट्स अपने आप में, आप रिव्यूज देख लीजिए, पूछ लीजिए, यहाँ कमेंट डाल के पूछ लो, पुराने स्टूडेंट्स को बोलो कि बताओ डीसी से पढ़ाए तो क्या रहा तुम्हारा May 24 में, और तुमको सिर्फ एक कमेंट मिलेगा डीसी जैसा कोई नहीं। तो ड्रोन चार्ट्स इज फिनोमिनल, तो दैट इज वाई नाउ यू हैव इंक्लूडेड इन द फास्ट ट्रैक बैच ऑल्सो ड्रोन चार्ट्स, बिकॉज यूट्यूब के आपके रिविजन डीसी बेस्ड है, तो दैट इज वाई नाउ यू गेट दैट इज वेल। ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितना दिया हुआ है, व्यूज सब में बढ़ा दिया, 1.7 कर दिया, पावर में 1.4 होते हैं। रेगुलर की वैलिडिटी हर जगह 2 साल की है, फास्ट ट्रैक की हर जगह 1 साल की है, विंडोज एंड्रॉइड में चलते। दैट इज ऑल अबाउट योर लेक्चर्स, कमिंग ऑन टू बुक्स, एवरीथिंग इज वंस अगेन अपडेटेड इन हार्ड कॉपीज। एफआर में यू हैव ब्रह्मास्त्र व्हिच कम्स इन 2 वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम में सारे बड़े चैप्टर हैं, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इवन शेड्यूल 3 इंडेक्स 1 एंड शेयर बेस्ड पेमेंट्स, रोड मैप, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, बाकी सारे टॉपिक्स वॉल्यूम 2 में आते हैं। आप अलग से भी ये वॉल्यूम्स ले सकते हैं, हार्ड कॉपीज इंडिविजुअली ही ना लेके कलेक्टिवली लेना है तो वो भी ले सकते हैं। मल्टी कलर किताब होती है, हैंड रिटन स्टाइल में होती है, इलस्ट्रेशंस भी बीच में होते हैं। क्वेश्चन बैंक स्ट्राइकर अपडेटेड टिल May 2024 एग्जाम क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। May 2024 के लिए ऑडियो पॉड बेस्ड सॉल्यूशंस में भी, ये भी 2 वॉल्यूम में आती है, टोटल मिला के 1200+ पेजेस हैं, इसमें 1600-1700+ क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं। आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम स्टडी मटीरियल कॉन्सेप्ट बिल्डर मेरे क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन सब कुछ कवर है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ बस एक चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बिल्डर हम रेगुलर बैच में यूज करते हैं और उसको हम क्लास में सॉल्व करते हैं, उसके ऑडियो वीडियो पॉड्स का एक्सेस अवेलेबल होता है, बट अगर आप सिर्फ बुक्स परचेज कर रहे हैं तो उस केस में आपको ऑडियो वीडियो पॉड का एक्सेस नहीं मिलेगा, वो सिर्फ रेगुलर फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट्स को मिलता है। पावर अगर वो लोग क्वेश्चन बैंक खरीद रहे हैं तो मिलता है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर किताब में जो कॉन्सेप्ट बिल्डर अनसॉल्व क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, ना उसके ऑडियो वीडियो पॉड मिलेंगे अगर आप सिर्फ किताब खरीद रहे, और अगर आप साथ में पावर बैच ले लेंगे तो फिर उस केस में आपको वीडियो ऑडियो पॉड के एक्सेस भी मिल जाएंगे। तो सिर्फ बुक्स लेने वालों को ऑडियो वीडियो पॉड का एक्सेस नहीं मिलता है, उसके लिए कोई लेक्चर आपके पास होना जरूरी। ऑडियो वीडियो पॉड इज अ कॉन्सेप्ट ओनली फॉर क्वेश्चन, एंड देन वी हैव एमसीक्यू व्हिच इज वन सिंगल बुक, और उसमें सिर्फ आंसर की है, उसमें डिटेल में आंसर्स नहीं दिए हुए। ब्रह्मास्त्र आपकी मल्टी कलर्ड है, ये दोनों सिंगल कलर्ड है, ये प्राइस है, ये कॉम्बो अगर आपको लेना है तो। ऑडिट में भी इट इज मोर लेस सिमिलर, 2 वॉल्यूम्स में है मल्टी कलर्ड बुक्स, यहाँ पे भी पेजेस 350 अप्रॉक्स पर वॉल्यूम है, तो टोटल काफी बड़ा होता है, बट इसका भी वापस से कारण है, बीच में समरीज है, स्पेस फॉर राइटिंग नोट्स है, ये सब है, तो इस कारण से लेंगे ज्यादा है। आपको शॉर्ट लेंथ मटीरियल चाहिए, डीसी बेस्ट है। ड्रोन चार्ट 270 पेजेस 100%, चैप्टर नंबर 1 to 19 सब कुछ कवर्ड है। इस बार का आपका जो पेपर आया मैंने रिव्यू डाला है, देख लीजिए, डीसी के आंसर्स के एक्सट्रैक्ट लगा के मैंने बताया पूरे के पूरे आंसर में सब कुछ डीसी के अंतर कवर्ड था 100%। देन यहाँ पर क्वेश्चन बैंक जिसको रिसेंटली वापस से अपडेट किया, सारी किताबें अपडेट हो गई है। क्वेश्चन बैंक में अपडेशन क्या हुआ है कि May 24 तक के एक तो क्वेश्चन आ गए, प्लस पुरानी क्वेश्चन बैंक में कुछ कुछ क्वेश्चन में क्योंकि आईसीआई ने जो क्वेश्चन नए इंक्लूड किए थे चैप्टर के पीछे, उसमें उन्होंने आंसर देने की बजाय रेफरेंस दे दिया था, रेफर पॉइंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, तो हमने भी वैसे ही रेफरेंस अपनी पुरानी क्वेश्चन बैंक में दे दिए थे, पर जो नई क्वेश्चन बैंक अब आई है उसमें रेफरेंसेस की बजाय बकायदा पूरा आंसर दिया गया, प्लस इट इज बीन अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट एंड न्यू क्वेश्चन, सो नाउ देयर आर नो रेफरेंसेस, कंप्लीट डिटेल्ड आंसर्स फॉर एवरीथिंग। ये सिंगल कलर्ड होती है, ये आपकी किताब की वैल्यूज है, और दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर्स एंड बुक्स। इफ यू स्टिल हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन शेयर, द पर्पस ऑफ द वीडियो आई होप इज क्लियर, कि आपके डाउट्स होंगे लेक्चर्स को सब्सक्राइब करने से पहले,
This video is going to help you clear those doubts with respect to your classes for FRN college. सारी की सारी बैचेस आपकी नवंबर 24, मई 25, नवंबर 25, मई 26 इनके लिए रेलेवेंट है, जैसे कि आप प्लान कर रहे हो आपकी स्टडीज के लिए. इसीलिए दो दो साल की इसमें वैलिडिटी दी जाती है और समय समय पे आपको अमेंडमेंट्स दिए जाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफआरआर ऑडिट का यू कैन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर कॉम्बो, बिकॉज बैचेस वही मिलेंगे आपको बट यू हैव अ प्राइस एडवांटेज एंड इट इज अवेलेबल फॉर बोथ योर रेगुलर बैचेस एज वेल एज एग्जाम ओरिएंटेड एंड फास्ट ट्रैक बैचेस.